देख रहे हो हिंदी में बात करो हिंदी में। तो मेरा नाम मनोज कुमार गमार है, मैं बुजा गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा जन्म भी कुत्तर मारिया गांव में ही हुआ है, यहाँ पर ही रहता हूँ, मेरा परिवार भी यहाँ पर ही है, सब कुछ यहाँ पर है। तो मैं यूँ कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं यहाँ लोगों के बीच, यहाँ पर जन्म से देखता हुआ आया हूँ कि यहाँ पर आज इस लोग को मारा, कल उसको मारा, परसों उसको मारा, ऐसा मतलब होता ही जा रहा है। औरतों की इज्जत लूटी जा रही है, यहाँ पर लोगों को मारपीट करी जा रही है, उनसे बकरी चुरा के ले जाते हैं और उल्टा उनको मतलब कि उनके खिलाफ वो कार्रवाई करने जाते हैं, उनको मारने जाते हैं, तो उनके खिलाफ उल्टा उनसे पैसा मांगते हैं। और यहाँ की पुलिस थाने की बात करें, तो यहाँ पुलिस थाना की मतलब पुलिस थाना नहीं है, ये एक तरह से कोई मतलब एक भंडार है। अगर यहाँ के लोग अपनी दुख बताने जाते हैं, पुलिस थाने में रिपोर्ट लिखाने जाते हैं, तो पुलिस थाने उन लोगों से पैसा मांगते हैं, उनसे उल्टा पैसा लेते हैं और उनका पैसा खा के और चुपचाप बैठ जाते हैं, उनकी रिपोर्ट लिख देते, कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होती यहाँ पर, और उनका उल्टा साथ देते हैं। यहाँ के नेता लोग हमारे मतलब कि मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, यहाँ के बड़े से बड़े नेता, सरपंच साहब का हो, कुछ भी कहो, यहाँ के नेता कोटा पंचायत मतलब जितने भुगावश पंचायत के जितने भी जो हैं बड़े अधिकारी, वो उनके साथ कुल मिले हुए रहते हैं और वो मतलब इन लोगों की बात को सुनते नहीं, उनके बीच कोई कार्रवाई नहीं करते, बस उनको मतलब ये उनसे मिले जुले हैं तो उनकी बात शेयर करते हैं और उनकी एक दूसरे की बात सुनते हैं, जबकि इन लोगों की कोई बात सुनवाई होती नहीं है। यहाँ पर आज तक बहुत सारे ऐसे कांड हुए, इन यहाँ पर और भी बहुत सारे व्यक्ति जिनको मारा है, पीटा है, उल्टा लटका लटका के मारते हैं। ये कौन सा तरीका, जो अंग्रेजों के टाइम होता था, जो 50 साल पहले जो देश गुलाम था, वो आज यहाँ पर गुलाम है। ये मतलब एक 3-4 गाँव है, पटलाई, पाटली, कुत्तर मारिया और छापरला, इन गाँवों के मतलब उसका मतलब पूरा राज चलता है, तो वो इन लोगों को डराता है, उनसे सब कुछ लेता है। और यहाँ के लोगों की बात करें तो यहाँ पर तो ना किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं, यहाँ के लोग तो बाहर तो कमाई करने जाते हैं, कहीं कहीं से कमा के लाते हैं, वो अपना ऐसे करके तो परिवार चलाते हैं, उन्हीं गरीब लोगों से लूट के सब ले जाता है और इसके पीछे कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। आज तक की यहाँ कोटा तहसील के अंदर तो ये मांडवा है, इन पुलिस थानों ने कुछ करा ही नहीं है, उन लोगों के खूब पीटा इन लोगों ने, रिपोर्ट वालों के पहला पैसा मांगते हैं, कुछ ऐसा करते ही नहीं, तो ये लोग क्या करेंगे। जब अगर आगे वाला नेता ही ऐसा कमजोर होगा, वो ही उन लोगों के साथ मिलके रहेगा, उन गुंडों के साथ, तो फिर यहाँ के लोग क्या करेंगे। ये तो ये बात हो ही नहीं सकती है। अगर हम तो यही कहना चाहते हैं कि बस आगे से आगे कार्रवाई हो, इन लोगों की सुनवाई हो, इन लोगों की कोई भी आगे बड़ा अधिकारी बात सुने और इनके पीछे कार्रवाई करे, इनको सजा होनी चाहिए, सजा क्या मौत होनी चाहिए इनको। तो अगर इन सरकार से कुछ काम नहीं होता है ना, तो यहाँ पर हम ये सारे ये बैठे हुए हैं, ये इसलिए नहीं बैठे, अगर इन सरकार से कुछ नहीं काम होता, पुलिस थाना कुछ नहीं करता है ना, तो फिर हम करने के लिए तैयार है, आगे हम लड़ने के लिए तैयार है, आगे मरना पीछे मरना तो है ही। अगर हम कुछ करके जाएंगे इन लोगों के बीच, इन लोगों की पूरी मतलब इनका दुख देखेंगे, तो अब पता नहीं चलेगा, अगर एक एक व्यक्ति बताएगा ना, अगर बड़ा नेता अगर यहाँ पर आके बैठ जाए ना, तो उनको हम बताएंगे कि ये व्यक्ति बताएगा हमको किस तरह से पीटा है। यहाँ पर घांड के पीछे मारते हैं, यहाँ पर लठ मारते हैं, यहाँ पर व्यक्ति कोई बता ही नहीं सकता इस जगह पर, इस स्थान पर, कि मेरे को यहाँ मारा है, कोई बात उससे नहीं करता है। यहाँ पर पेट्रोल डाला जाता है, लोगों को पेट्रोल डाल के मारते हैं, लठों से मारते हैं, ऊपर लटका लटका के मारते हैं, ये कौन सा तरीका है। ये पुलिस स्टेशन में भी नहीं मारते इस तरीके से, मारते हैं यहाँ के लोग, अब ये मारता है इतना और लोगों को डरा के। यहाँ पर कोई शिक्षा की बात कर तो बड़ा कोई अधिकारी आ गया, कोई ठेकेदार आ गया, कोई रोड बनाने वाला आ गया, हेडपम्प बनाने वाला आ गया, उनको मारपीट के उनको डरा के उनका घर बनवा लेगा, उनसे सीमेंट ले लेगा, उनसे वो ले लेगा, ये कब तक ऐसा चलता रहेगा। ये गांव तो बिचड़ा हुआ ही है, आज तक इसकी कभी मतलब कि विकास ही नहीं होगा, ऐसे तो कब विकास होगा। जब बाहर का लोग यहाँ के डर, यार टीचर आता है, टीचर अगर यहाँ आएगा तो उसके घर के सामने यहाँ आके डराएंगे, उससे बाइक ले लेंगे, वो ले लेंगे, उसको मारे पीटेंगे, वो दूसरे दिन से यहाँ पढ़ाने नहीं आएगा। बाहर का व्यक्ति कैसे पढ़ेगा, यहाँ बच्चे कैसे पढ़ेंगे। फिर अगर बाहर का व्यक्ति कोई आएगा तो उसको मार पीट के, ऐसी कई सारी घटनाएं हुई, कई सारे लोगों, एक बार गुजरात के लोगों को एक घटना बताता हूँ, मेरे को नहीं पता है, बात ही मैंने सुनी है। गुजरात के लोगों को कोई बोलेरो लेके आया था, कोई किसी काम से भी आया होगा, किसी का मतलब रिश्तेदार था, तो उसको वहां ले जाके पीटा, उसकी बोलेरो की सीट निकालनी हो कहते, उसके मोबाइल ले लिए, वो ले लिया, और उसके जो रिश्तेदार है वो साथ में इसी गांव के रहने वाले, उन्होंने बोला कि भाई ये हमारा रिश्तेदार है, तो तुम्हारा रिश्तेदार होगा, मेरा रिश्तेदार नहीं है, उनको उल्टा पीटा और तुम कैसे बोलने आए, यूं करके उनसे उल्टा पैसा लिया। और एक एक व्यक्ति से कितने कितने रुपए लेता है, 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार रुपये लेता है, ये व्यक्ति कहाँ से निकालेंगे। यहाँ पर कोई फैक्ट्री नहीं खोल रखी है जो ये कमाते हैं, बापड़े बाहर दूर दूर से कमा के लाते हैं और वो बात उनको देते हैं, कमा के ये लाते हैं, खाता वो है आराम से बैठा बैठा, ये है क्या। यह कोई सरकार सुनवाई करती ही नहीं है यहाँ पर, कुछ नहीं करती है यहाँ पर। अगर ऐसा बात होता तो अब दूसरी तहसीलों में नहीं हो रहा है, दूसरी कोटा में उधर तो नहीं हो रहा है, उन गाँव में हो रहा ही नहीं है। कुकास पंचायत ऐसे क्यों नहीं, यहाँ पर कोई अधिकारी क्यों नहीं आता है, वोट लेने के लिए हाथ जोड़ के आ जाएंगे, हाथ में फोटो खींच देंगे, हम तो मैं अधिकारी हूँ, मैं बड़ा नेता हूँ, विकास कर दूंगा, हेडपंप लगवा दूंगा, स्कूल बनवा दूंगा,
वो करवा दूंगा, स्कूल के अंदर वो सुविधा करवाऊंगा। जब जीतता है ना यहाँ के पर कुछ भी कहो, जीतने के बाद कोई किसी को सलाम नहीं करता है। अगर नेता होगा ना तो भिखारी मतलब कोई कोई भी ऐसा आलतू पालतू व्यक्ति को भी वो प्रणाम करता है जब वोट लेना होता है तब तो, लेकिन जब जीत जाता है तो किसी को कुछ झुकता नहीं है। बस उसके बाद तो फिर वो बन गया और उसके बाद ऐसे गुंडे लोगों का साथ देते हैं। अगर उन ऐसे नेता लोग उनका साथ देंगे तो कैसे ये मतलब गांव चलेगा। हम तो यही कहना चाहते हैं कि बस इन गांव की चुनवाई हो, इन लोगों की मतलब इनका पूरा दर्द मिटे, बस इसको फांसी होनी चाहिए। क्या ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए? आतंकवादी एक तरह का आतंकवादी, पाकिस्तान में भी वो पाकिस्तान के आतंकवादी ऐसा नहीं करते, ऐसा ये करता है यहाँ लोगों के साथ। 51 केस हो गए, 51 किसको कहते हैं आज तक इसको मतलब दूसरे अपने बड़े बड़े हित में अगर कहूँ ने तो आपने भी एक बात शेयर करी थी कि बड़े बड़े हमारे संगठन बनाए, हिंदू एकता दल, वो एकता दल, ये एकता दल, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, किसी पर भी क्यों बड़े बड़े पोस्टेज शेयर करने के लिए वो तैयार है, लेकिन इन लोगों के बीच आते हो कभी बड़ी बड़ी बातें करते हम वो कर लेंगे, हम मुसलमानों को मारेंगे, पाकिस्तान पे मारेंगे। अरे यहाँ मारो, यहाँ के आतंकवादियों को मारो, अगर गांव का कचरा साफ करेंगे तब जाके देश साफ होने वाला, लेकिन तो कुछ नहीं होने वाला। अपने देश से कैसे आगे बढ़ेगा? हैं यहाँ पर गांव के अंदर लूट मार हो रही है, लोग ये सब कुछ कर रहे हैं। अब इन गांव के गांव का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, गांव के ही लोग साले वो बन रहे गुंडे बन रहे, तो वो अपने देश को कैसे चलाएंगे? हैं ये गांव, ये लोग, ये बापड़े, ये मतलब इन बात इन लोगों की बात करो, इनको कितने सारे वो कहाँ गए, उनको पीटा है, उल्टा लटका लटका के पीटा है। किसको कहते हैं उल्टा लटका लटका के पीटना? और उल्टा उन्हीं से पैसा मांग रहा है। उनने अपना खुद का खर्चा दिया, अपना खुद के खर्चे से वो हॉस्पिटल गया, दवा खाना करवाया, सब कुछ करवाया, इतनी सारी बहुत सारी उसने खुद ने करवाया, उसने नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। आज तक 8 साल हो गए, यूँ कह रहे हैं 8 साल, 8 साल से वो केस चल रहा है, अभी तक उसकी कुछ सुनवाई हुई? कुछ नहीं हुई ना। आज तक ऐसे छोटे मोटे केस बहुत सारे हुए, बहुत सारे आज तक मेरे खिलाफ। आज मैं उस परिवार का नहीं हूँ, मतलब इनका मैं इस गाँव का हूँ लेकिन मैं इनकी कास्ट से नहीं हूँ, भले भी नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे खिलाफ वो मतलब कुछ भी मेरे को डराता धमकाता नहीं है, लेकिन इन लोगों को डराता धमकाता है। मेरे घर के पास मेरे थे, हम उनका कैसे दर्द सहन कर सकते? आज उनको कर रहा है, कल मेरे साथ करेगा, परसों और किसी के साथ करेगा, कब तक ऐसा करता रहेगा? अगर हम इसके खिलाफ वो कोई सुनवाई नहीं करेंगे तो ये तो पिक्चर चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगी। किसी को हीरो तो बनना पड़ेगा ना इन लोगों में से। अगर मेरी बात सुनो, अगर मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर पुलिस कुछ नहीं करती है ना, पुलिस तो अपने पास ये देखो ये दिख रही है ना ये सब हथियार, वो सब पुलिस ही है, ठीक है ना। अगर जब पुलिस पूछने आएगी तो हम जैसे बच्चे जवाब देंगे उनको। जब आपको हम बोलते हैं ना, जब आपको हम बोलते हैं कि हमारी सुनवाई करो, हम रिपोर्ट लिखाने आते हैं, तब तो आप हमसे पैसा मांगते हैं, उल्टा पैसा मांगते हैं। हमसे किससे? अपनों से पैसा। इतना पैसा दो तुम्हारे रिपोर्ट लिख देंगे, वो कर देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं करते तो हम क्या करेंगे फिर? अगर वो कार्रवाई नहीं करेगा तो फिर हमारे पास भी कार्रवाई है। अगर वो मार रहा है अपने को, तलवार मारने आ रहा है, तो हम मैं उसकी तरह देखूंगा क्या? अपनी जान बचाने के लिए मैं भी हथियार छोड़ सकता हूँ। अब पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो अपने को कुछ भी करना ही पड़ेगा। हमारा तो यही मुद्दा है कि हम इनको कितने भी दिन की मोहलत देते हैं पुलिस वाले को, सब बता रहे हैं कि इस आदमी ने मारा है, जब जाके भी पुलिस वाले नहीं पकड़ रहे तो किसको पकड़ेंगे? तो फिर कहां से पकड़ेंगे? अब सब ये जानते हैं, इनको मारने वाला ये भैया है, ये भी जानता है कि उस आदमी ने मारा है मेरे को, वो यहाँ का आदमी है, उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर रही है तो फिर किसको पकड़ेगी पुलिस? फिर वो कहाँ खोजने जाएगी? इतने सारे सबूत दिख रहे हैं यहाँ, सब लोगों को पता है कि कितना इसका खौफ है यहाँ, तो फिर क्या करेंगे? अभी जो मुंह लखवाने के लिए बोलने के लिए तो भाई बना जाए थाना में। अब बताओ लोगों को, अब गाड़ियों वालों को डराते हैं या मोटरसाइकिल वालों को डराते हैं, अब कब क्या होगा? कुछ नहीं होने वाला। अब जबकि सामने गवाह बैठा हुआ मारने वाला पहचानता अच्छे ढंग से, अगर नहीं पहचानता हो तो वो बात अलग होती है, ये पहचानता है, ये पहचानता है, वो पहचानता है, सब पहचानते हैं। ये देखो इनकी, अब इनकी गवाही देखो, इतने पूरा गांव जानता है, उसके बाद वो तीन गांव जो नहीं आए वो डरपोक है, डरपोक ये गांव, वो डरपोक है। अगर देख लेना, मेरी बात सुनो, वो लोग मतलब जिनके साथ उनके साथ भी ऐसी घटना घटी है, लेकिन वो डरते हैं उस चीज से, वो मारेगा आके पीटेगा यूं करके डरते हैं, इसलिए वो नहीं आए। ये एक गांव के ही लोग आए, अब इतने सारे लोगों ऐसा वो कर रहा है, अब इतने सारे आपके सामने गवाह है, उसके बाद भी पुलिस नहीं पकड़ रही है ना, तो पुलिस की जरूरत नहीं है? पुलिस फिर हमको भी नहीं पकड़ने आएगी, अगर हम उसको मारेंगे ना तो पुलिस हमारे बीच नहीं आएगी, फिर हमारे पास ये हथियार है, फिर हम उससे लड़ने के लिए तैयार है। लेकिन देखो मेरी बात सुनो, ठीक है,
एक बार पुलिस को बता दिया हमने, पुलिस को बता दिया, पुलिस नहीं आती है अपने बीच लड़ने के लिए, नहीं आती है, ठीक है, तो फिर पुलिस ने अगर हम उसको मारेंगे ना, उसके ऊपर चढ़ोतरा करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसको मारेंगे, लेकिन उस टाइम पुलिस नहीं आनी चाहिए। फिर हम चुनाव कर लेंगे, हम अपने आमने सामने लड़ लेंगे, मर जाएंगे, आगे मरना पीछे मरना, मरना तो यही सारा, क्या करना है जिंदगी में, जी कुछ नहीं करना है ना, तो बस अगर अभी पुलिस नहीं आती, रिपोर्ट भी लिखा दी, सब कुछ हो गई, इतनी घटना घट गई है, उसके बावजूद पुलिस नहीं आती है और इनको कार्रवाई नहीं करती है, तो फिर हम हमारे हथियारों से लड़ने के लिए तैयार, कुछ नहीं होगा, ठीक है, सब तैयार, ठीक है, धन्यवाद।